नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi के नए फ़ोन के बारे में जो मार्केट में लॉन्च किया गया है। Redmi Note 8 के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम। चलिए जानते हैं कि ये फ़ोन बेस्ट फ़ोन है 10,000 के रेंज में, और इसकी फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसकी खामियाँ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। वैसे दोस्तों, ये फ़ोन में कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, ये फ़ोन आपको दो अलग अलग प्राइस रेंज में मिल जाता है, 16 GB रैम के साथ और 128 GB स्टोरेज फैसिलिटी के साथ मिल जाता है। दूसरा आपको मिल जाता है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ, जिसको आप एक्सपांड कर सकते हैं 512 GB तक, जो काफ़ी अच्छा है। ऐसे 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज फैसिलिटी जिसमें मिलता है, उसका प्राइस करीबन आपका 13,000 जितना पड़ता है। और दूसरा जो ये आप है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज फैसिलिटी, ये आपको 10,000 के करीब में मिल जाता है, 9,999 रुपये में, जो एक काफ़ी इसमें एक अच्छी बात है। वैसे इस फ़ोन को तीन अलग अलग कलर में लॉन्च किया गया है, वाइट, ब्लैक और जो मेरे पास है नेपच्यून ब्लू, ब्लू कलर में। आप देख सकते हैं इसके पैकेजिंग दूसरे Xiaomi के फ़ोन की तरह है, जिसमें ऊपर कोने में जिक्र है इंडिया में Xiaomi का नंबर वन ब्रांड होने का, जो आपको मिल जाता है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज कैपेसिटी के साथ। और इसके पीछे कुछ मेन हाईलाइट को मेंशन किया गया है, जो आप देख सकते हैं इसके पीछे के पैकेजिंग में कुछ कुछ लिखा हुआ है, जो मेन हाईलाइट्स है उसको मेंशन किया गया है दोस्तों। और कलर के बारे में बोले तो ये काफ़ी सुंदर कलर है दोस्तों, इस रेंज में ये कलर बहुत ही सुंदर, आपको 10,000 के रेंज में ये कलर मिल जाता है। ग्रेडियंट फिनिश्ड है इसका। उसके बाद नीचे की ओर आपको एक हेडफोन जैक मिल जाता है, वाइट रियर कैमरा सिस्टम है जो अवेलेबल है, जिसमें आप स्लो मोशन वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है, देखिए इस कैमरा से मैंने इस कुछ फ़ोटो खींचे हैं इसके, जो काफ़ी अच्छा आया है और काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है, जो इसमें बहुत अच्छी बात है। 10,000 के रेंज में अगर कैमरा क्वालिटी के बारे में किसी भी फ़ोन के बारे में बोले तो इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही सही है दोस्तों। अगर आप कैमरा के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन बहुत सही है, बहुत अच्छा है दोस्तों। बीच में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और अगर हम सामने की तरफ इसका बात करते हैं तो इसमें 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, IPS डिस्प्ले मिल जाता है दोस्तों, जो इसमें काफ़ी अच्छी बात है। और इसका फिनिश्ड भी बहुत अच्छा है, ग्रेडियंट फिनिश्ड है, जो काफ़ी इसमें बेहतरीन काम किया गया है इस सेल फोन में इस प्राइस रेंज में। फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है पीछे में फिंगरप्रिंट, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसका बैक जो है एकदम आपको पता नहीं चलता है कि इसका स्कैनर कहाँ है, अगर आप ये करते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है कि जब आप ये करें तो आप सही जगह पे आप उंगली रखे हैं कि नहीं, वो आपको पता लगने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और प्लस इसमें आपका फेस अनलॉक सिस्टम भी मिल जाता है, अनलॉक सिस्टम के बारे में भी बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा बैटरी कैपेसिटी मिल जाता है, 400 mAh का बैटरी कैपेसिटी इसमें मिल जाता है। और जो इसमें काफ़ी अच्छी बात है, UI बिल्कुल सेम है दूसरे Xiaomi के फ़ोन की तरह। डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है इस प्राइस सेगमेंट में, फुल गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है भी दिया गया है इसमें, इवन इसको आप धूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, जिसके वजह से आपको धूप में परेशानी नहीं होगी इसको यूज़ करने में। कैमरे के बारे में बात करें तो कैमरे में दोस्तों, कैमरे बाहर की ओर है, इसलिए आपको थोड़ी सी स्क्रैच ऐसा लग होने का, स्क्रैचेस ऐसा आ जाने का आपको थोड़ा सा डर रह सकता है, बट ऐसे कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करें तो बहुत सही है, आप फ़ोटो भी इसके देख सकते हैं।
साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको थ्री स्लॉट ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप दो सिम और एक एसडी कार्ड रख सकते हैं, जो इसमें और एक अच्छी बात है इस प्राइस सेगमेंट में। ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत ही लाउड है। अगर आप गाना सब सुनने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये बहुत ही आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और गेमिंग ये सब के बारे में बात करें, गेमिंग पर्पज़ के लिए आप फ़ोन अगर लेना चाहते हैं तो इसमें गेमिंग का भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए भी ये फ़ोन। अगर आप गेमिंग ये सब खेलना चाहते हैं तो इस फ़ोन में आप वो भी कर सकते हैं, जो इसमें इस प्राइस सेगमेंट में ये भी मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। और तो दोस्तों 10,000 के रेंज में, प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, मुझे तो अच्छा लगा। आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत सही है। 13 MP का इसमें आपको डुअल फ्रंट कैमरा मिलता है, ऊपर से आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है, तो वो बहुत ही काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, चल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।